आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे दो प्रकार के काम जो दो प्रकार के काम करने के लिए आपको कभी भी किसी भी औरत के ऊपर या फिर किसी भी लड़की के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई पुरुष यह दो प्रकार के काम करने के लिए किसी भी औरत के ऊपर या फिर किसी भी लड़की के ऊपर ज़बरदस्ती करता है या फिर उसको धमकी देता है तो वह पुरुष एक नामर्द होता है। जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले प्रकार का जो काम है वो कौन सा है दोस्तों, कि शादी करना। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी पुरुष किसी भी औरत के ऊपर या फिर किसी भी लड़की के ऊपर एक तरफा प्यार करता है और उसको शादी का प्रपोजल देता है, और अगर बाई चांस उस औरत ने या फिर उस लड़की ने उसके साथ शादी करने के लिए मना कर दिया तो वह उसके ऊपर ज़बरदस्ती करता है और उसको धमकी भी देता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुमको किसी की भी नहीं होने दूंगा, और अगर तुम किसी दूसरे के साथ शादी करोगी तो उसको भी मैं जीने नहीं दूंगा, यानी कि उसको धमकी देता है। तो दोस्तों आपको कभी भी किसी भी औरत के ऊपर या फिर किसी भी लड़की के ऊपर शादी करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप मान लो कि आप किसी भी लड़की के साथ या फिर किसी भी औरत के साथ ज़बरदस्ती से शादी करते हो तो क्या होगा कि आपकी भी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी और उसकी भी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी और आपके रिश्ते में प्यार नाम का कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखो और आप कभी भी किसी भी औरत के ऊपर शादी करने के लिए ज़बरदस्ती मत करो। जो दूसरे प्रकार का काम है वो कौन सा है दोस्तों, कि फिज़िकल रिलेशन बनाना। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में इंसान बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, यानी कि इंसानों में जानवर आ गए हैं। दोस्तों मैं सब पुरुषों को तो नहीं बोल रहा, पर आजकल के ज़्यादातर पुरुष औरत के साथ प्यार इसलिए करते हैं कि वह उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बना सके, और अगर कोई औरत उनको मना करती है तो वह उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। तो दोस्तों आपको कभी भी किसी भी औरत के ऊपर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह पाप होता है। और आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। बस दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा।